पिछले कुछ दिनों से हमें कई लोगों ने संपर्क किया है दिल्ली सरकार को कि उनके घर के लोग जो दिल्ली किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए थे वो वापस घर नहीं पहुंचे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका कोई अता पता नहीं है, वो लोग मिसिंग हैं। मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों के घरों के बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी अगर उनके घर नहीं पहुंचे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो उनके घर के लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी कि उन लोगों को जो मिसिंग हैं उनको ढूंढ के उनके परिवार वालों को सूचित किया जाए। इस संबंध में पिछले कुछ दिनों से कई किसान संगठन भी दिल्ली सरकार को और मुझसे व्यक्तिगत तौर पे संपर्क कर रहे हैं। कल शाम को भी किसान संगठनों के कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो हमने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो जो लोग किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को 26 जनवरी वाली घटनाओं से संबंधित गिरफ्तार किया गया है, हो सकता है कि जो मिसिंग लोग हैं वो उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके और वो कहीं किसी जेल में हों और अपने घर के लोगों से संपर्क ना कर पाए हों। तो हमारी सरकार ने कल हम लोगों ने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो भी किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी सबकी लिस्टें बनवाई हैं और ये लिस्ट हम अभी जारी कर रहे हैं जन सूचना के लिए। 115 लोगों की लिस्ट है जो दिल्ली की अलग अलग जेलों के अंदर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और वो दिल्ली की जेलों में हैं, और इनके नाम, इनके पिता का नाम, इनकी उम्र, इनका पता, किस तारीख को गिरफ्तार किए गए, ये सब हम अभी थोड़ी देर में जारी कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों के घर के लोग मिसिंग हैं वो ये लिस्ट देख सकते हैं, इन लिस्टों से उनको पता चल जाएगा कि उनके घर के लोग कहीं गिरफ्तार तो नहीं हुए, और अगर गिरफ्तार हुए हैं तो वो कौन सी जेल में हैं और कब से गिरफ्तार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे मिसिंग लोगों का पता इससे चल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोग मिसिंग रह जाते हैं तो हमने किसान आंदोलन के संगठनों को आश्वासन दिया, और मैं आप सब लोगों को, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप सब लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसे इसके अलावा और अगर कोई लोग आएंगे और हमें सूचना दी जाती है कि वो भी मिसिंग हैं तो उनको ढूंढवाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी LG साहब से भी बात करूंगा, ज़रूरत पड़ेगी मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा, और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि आपके घर के जो भी मिसिंग लोग हैं उनका पता करके हम आपको उनके बारे में सूचित करें।